हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल P.PRBD सीक्रेट्स। आई होप यू ऑल वेल। आज जो मैं आप सबके लिए वीडियो लेकर आई हूँ, इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी बहुत ही ज़्यादा इजी तरीका जिससे कि आप लोग अपने मेकअप ब्रशेस को क्लीन कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इजी है, बहुत ही ज़्यादा क्विक है। सो चलते हैं इस वीडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं। आप ये सब ब्रशेस देख सकते हैं, ये सब बहुत ज़्यादा गंदे हो रखे हैं क्योंकि यूज्ड ब्रशेस हैं, और इन ब्रशेस को अब हम साफ़ करेंगे। सो आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे मैं एक प्लेन ग्लास ले रही हूँ। ये ट्रांसपेरेंट है ताकि आपको मैं रिजल्ट साथ के साथ दिखा सकूँ। हम इसमें प्लेन वाटर ले लेंगे, सादा पानी लिया है मैंने। अब हम ले रहे हैं जॉनसन बेबी शैम्पू। ये माइल्ड शैम्पू होते हैं और काफ़ी अच्छे रहते हैं, मैं इसीलिए इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। ये आप ये देख सकते हैं, ज़रूरत के हिसाब से डालेंगे कि लेदर अच्छी तरह बन जाए। हम यहाँ पर ले रहे हैं डिस्टिल्ड विनेगर, ले रही हूँ मैं यहाँ पर हाफ टेबल स्पून। अच्छे तरीके से दोनों को मिक्स कर लेंगे ताकि अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएंगे। अब हम फेस डाउन करके अपने ब्रशेस को इसके अंदर डालेंगे, वन बाय वन करके डालेंगे। और कंटेनर आप कोई सा भी ले सकते हैं जिसमें आपके ब्रशेस ईजीली आ जाएँ, फिट हो जाएँ आसानी से। सबका फेस डाउन रखना है, याद रखें। और पानी भी आप उतना ही ले सकते हैं जिसमें कि ब्रशेस के फेसेस इजीली डिप हो जाएं अच्छे तरीके से। आप ये देख सकते हैं, और ये आप देख सकते हैं पानी भी हल्का हल्का डर्टी होना स्टार्ट हो गया है। ये प्रोसेस 15 मिनट्स का है, आप 15 मिनट्स रख सकते हैं क्योंकि स्मॉल ब्रशेस जल्दी साफ़ हो जाते हैं, पर बड़े ब्रशेस, बफर ब्रशेस वगैरह, इन सबको टाइम लगता है। ये अब 10 मिनट हो चुके हैं, मैं आपको स्मॉल ब्रशेस दिखाती हूँ। आप ये देख सकते हैं, ग्रीन कलर लगा हुआ था इस ब्रश पे और इस पे सी ग्रीन लगा हुआ था। आप ये सब देख सकते हैं, बहुत ही इजी प्रोसेस है, जल्दी हो जाता है। अब हम इनको क्लीन करेंगे। आप ऐसे हल्का हल्का डिप करें, उसके बाद आप इसको रनिंग वाटर में अच्छे तरीके से वॉश कर लें। फेस को हाथ पे रब करेंगे ब्रशेस के ताकि इजीली क्लीन हो जाए। आगे से प्रेस करके पानी निकाल देंगे सारा, और आप ये देख सकते हैं वन बाय वन सबके साथ ऐसे ही करेंगे। जो बड़े ब्रशेज हैं जैसे कि बफर ब्रशेज, फेस ब्रशेज, उनको आप क्या कर सकते हैं, दूसरे तरीके से भी साफ़ कर सकते हैं। मैं अभी आपको दिखाऊंगी आगे ही, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी होता है। आप ये देख सकते हैं, ये कॉम्ब है जो कि जिसमें कि स्पेस ज़्यादा होता है, तो इससे आप क्लीन करेंगे अच्छे तरीके से ताकि कोई भी अंदर डस्ट वगैरह या कुछ कॉटन के जो भी हल्का कूड़ा वगैरह होता है वो फंसा हो तो वो भी निकल जाए। वैसे होता नहीं है मोस्टली। अच्छे तरीके से स्ट्रेन कर लेंगे इसको, प्रेस करके सारा पानी निकाल लेंगे, और आप ये देख सकते हैं वन बाय वन सबके साथ ऐसे ही करेंगे। ज़रूरी नहीं है आप टैंगलिंग कॉम ले, आप कोई और कॉम ले सकते हैं, पर उसमें स्पेस ज़्यादा होना चाहिए, नॉर्मल कॉम नहीं लेंगे। अच्छे तरीके से क्लीन कर लेंगे। आप ये देख सकते हैं, ये फ्लैट ब्रश को भी हम ऐसे ही करेंगे। जिन ब्रशेज़ में ज़रूरत नहीं है वहाँ पर कॉम का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ना फिंगर्स की मदद से ही क्लीन कर लेंगे अच्छे तरीके से। काफ़ी ज़्यादा इजी प्रोसेस होता है ये, और जल्दी भी हो जाता है, ब्रशेज़ भी अच्छे तरीके से क्लीन हो जाती है। आप ये देख सकते हैं, अब ये लास्ट ब्रश है लियोर सेंस की। अच्छे तरीके से क्लीन करना है। अगर कॉम की मदद से नहीं करना चाहते तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ कॉम की मदद से करेंगे तो थोड़ा एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है। अब हमारे सारे ब्रशेस क्लीन हो चुके हैं, आप देख सकते हैं ये लास्ट था, और ये आप कलर देख सकते हैं पानी का।
अब यहाँ पर ये मैंने इनको एक टॉवल हैंकी पे रखा है इसको, और मैं अब अच्छे तरीके से इनको वाइप कर लूँगी, पोंछ लूँगी अच्छे तरीके से। अभी इन्हें फैला के रख दूँगी ताकि ये सूख जाए अच्छे तरीके। आप सुखाने के लिए इनको ड्रायर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे भी नॉर्मल एयर में सूखने के लिए रख सकते हैं। आप ब्रशेस को ऐसे शेप में लाएंगे वापस, क्योंकि जब हम उसको प्रेस करके पानी निकालते हैं तो शेप चेंज हो जाती है, पर हम थोड़ा सा और स्ट्रेन करके अगर पानी लगता है आपको तो दोबारा वाइप करें और अच्छे तरीके से उनको उनके शेप में लेके आएँ, ताकि जब वो सूखे तो अपनी ही शेप में सूखें। आप ये देख सकते हैं, हर एक सारी ब्रशेस के साथ ऐसे ही करेंगे, उनके एक्चुअल शेप में उनको रखेंगे। आप ये देख सकते हैं, वन बाय वन सब ब्रशेस के साथ ऐसे ही करूँगी मैं। अब इन सबको सूखने के लिए रख दूंगी मैं। आई होप आप सबको मेरा ये तरीका पसंद आया होगा, और अगर आप लोगों को ये पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। टिल देन बाय, टेक केयर।